यार अभी मैंने सलाम वेंकी नाम की एक मूवी का ट्रेलर देखा और भाई कसम से दिल पसीज गया। खैर ट्रेलर के बारे में तुम्हें बता दूं, इस मूवी में जो है काजोल और विशाल जेटवा जो है वो लीड रोल में है। विशाल जेटवा तुमने देखे होंगे मर्दानी 2 में जो विलन बने थे, उन्होंने बहुत तगड़ी एक्टिंग करी थी और भाई उसके बाद उन्हें मिली है काजोल के साथ मूवी। ये एक माँ बेटे के रिश्ते पे होने वाली एक मूवी है। इसका ट्रेलर यार तुम देखोगे तो कसम से बता रहा हूँ इमोशनल हो जाओगे। 2 मिनट 18 सेकंड का सिर्फ ट्रेलर है और उसमें तुम्हारी आंखें भर जाएंगी यार। ट्रेलर में दिखाया है कि एक माँ बेटे पे होने वाली मूवी है। बेटा जो है वेंकटेश नाम का, उसे घर में वेंकी बोलते हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा बीमार है और धीरे धीरे उसकी जो हालत है वो और ज़्यादा खराब होती जा रही है, मतलब वो मरने की स्टेज पे आ गया है। उसकी माँ का रोल कर रही है काजोल और वो उसकी देखभाल कर रही है भाई, उसे डॉक्टर्स को दिखा रही है और भाई जो है मुझे लग रहा है बचने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए उसकी जो लास्ट ख्वाहिश है, जो उसकी अंतिम ख्वाहिश है, उसे पूरी करने की कोशिश कर रही है। इसमें कुछ केस वगैरह का भी सीन दिखाया है, प्रकाश राज मुझे लग रहा है वो जज बने हुए हैं और राहुल बोस का भी कैमियो दिखाया हुआ है, वो मुझे लग रहा है वकील बने हैं। तो क्या वो केस लड़ेंगी या क्या वो बातें होंगी वो अभी कुछ इसमें डिस्क्लोज नहीं होती नजर आ रही, लेकिन भाई मूवी की जो इमोशनल स्टोरी है वो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है अटैच करेगी, बहुत ज्यादा लोग इससे अटैच होंगे। खैर यार बात करें अगर इसमें एक्टिंग की तो भाई एक्टिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कर रखी है काजोल ने भी और विशाल जेटवा ने भी। उनका खैर हमने देख भी लिया था मर्दानी 2 में, उन्होंने अपना एक्टिंग का लोहा दिखाया था हमें कि भाई वो बहुत अच्छे एक्टर है, पर इस बार रोल थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उनकी भी एक्टिंग बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। और काजोल के बारे में तो भाई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जबरदस्त एक्ट्रेस है ही। इस मूवी की स्टोरी के बारे में मैंने गूगल करा तो मुझे पता लगा भाई ये एक ट्रू स्टोरी पे इंस्पायर्ड मूवी होने वाली है, तो एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है। इस मूवी में आमिर खान का भी कैमियो देखने को मिलेगा। ट्रेलर के एंड सीन में दिखाया कि आमिर खान भी हैं, वो काजोल के पति शायद बने हुए हैं, उस लड़के के पापा मतलब, और भाई वो जो है मुझे लग रहा है या तो वो मरे हुए दिखाए होंगे या फिर दिखाया होगा कि वो उन्हें छोड़ के चले गए हैं, तो इस टाइप का कुछ सीन दिखाया, लेकिन वो ट्रेलर के लास्ट सीन में दिखाए गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जानबूझ के दिखाया कि कहीं भाई उनके प्रेजेंस से कहीं लोग जो है बॉयकॉट ना करने लगे इस मूवी को, तो उन्हें लास्ट सीन में बस थोड़ा सा दिखा दिया कि भाई पूरी मूवी में ये नहीं होंगे। तो भाई ट्रेलर तो मुझे सही बताऊं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।